एक है रास्ता, एक ही जज्बा, एक ही नारा, एक इरादा, एक ही मंजिल, एक निशान और एक ही है हमारी पहचान। हमारा पाकिस्तान है प्यारा पाकिस्तान। जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, बल्कि आज मैं ये कहूँगा कि पूरी आज़ादी से आपको आप ही के यू शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से, अपनी पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जितना खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि खुदा ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जिसको हम फ़ख्र से अपना मुल्क कहते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी आज हम सेलिब्रेट करते हैं और जितनी खुदा की शुक्रगुजारी करें वही बात है, उतना ही कम है। इस मुल्क में हम जहां मर्जी चाहते हैं चले जाते हैं, आते हैं, आज़ादी से सफ़र करते हैं, आज़ादी से आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कसरत से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन को कसरत से इस तरह मनाएं कि ये आपका अपना दिन है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान से हमारी पहचान है, पाकिस्तान ने आगे हमें आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आज हम बहुत खास टीम आपकी खिदमत में रखने को है, वो भी बताते हैं, लेकिन पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं टीम से। सभी मैं आपको पूरे दिल से वेलकम कहता हूं और जश्न आज़ादी की खुशियां मुबारकबाद कहता हूं। थैंक यू अगस्टिन, बहुत खुशी है कि हम आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और डेफिनेटली बेहद हमारे लिए खुशी का दिन है और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमें हर चीज़ की आज़ादी मिलती है और हम आज़ादी से आगे बढ़ते हैं। एरिका, आपको भी वेलकम कहता हूँ, आपको भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। खैर मुबारक, आपको भी बहुत सारी ढेरों खुशियाँ मुबारक और हमारे व्यूवर्स को भी। थैंक यू सो मच। राबिल, हम आपको भी पूरे दिल से अपने यूशो में खुश आमदीद कहते हैं, आपको भी दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू सो मच अगस्टिन, और मैं आपको और पूरे दिल से की तमाम टीम को और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि पूरे दिल से ही हम लोग इस मुल्क से मोहब्बत करें ताकि इस मुल्क को हम लोग एक ऐसे मुकाम पर लेके जाए जहाँ पे इसको पहुँचने की पहुँचना चाहिए और पूरे दिल से ये मुल्क तरक्की पाता चला जाए। आज इस आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एक थीम आपकी खिदमत में रखने को है। खुदारा इस थीम को सीखें, आज बेहद ज़रूरत है पाकिस्तान को, यूथ की बेहद ज़रूरत है। वही बात है, पाकिस्तान ने तो हमें एक आज़ादी दी, हमने पाकिस्तान को किस लेवल पर लेकर जाना है आज ये गौर करने की बात है। आज पाकिस्तान को यूथ से क्या चाहिए आज इस बात पर गौर करने की बात है। आज यूथ को क्या पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, किस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारी ये ड्यूटी है। पाकिस्तान हमारा घर है और हम चाहेंगे कि हमारा घर तरक्की करे, हम चाहेंगे कि हमारा घर आगे बढ़ता चला जाए। हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। फिर से कह रहा हूँ, दिल से इस जश्न आज़ादी को तो मनाएं, लेकिन चंद एक जो बातें आज आपकी खिदमत में रखेंगे उनको दिल से सीखेगा, उन पर गौर करिएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, कुछ बने, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बने। सभी आपकी तरफ वापस आता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह आज हमें रिप्रेजेंट करना है, यूथ को क्या पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, आप क्या कहेंगी? अगस्टिन, मैं यही कहूंगी कि सबसे ज़्यादा इस वक्त यूथ पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह यूथ सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है हर एक चीज़ में, इसी तरह जब मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, तो आज़ादी मिल जाना डजंट मीन कि हम आज़ाद हो गए हैं तो हमारा काम ख़त्म हो गया, बल्कि आज़ादी को बरकरार रखना या हमारे मुल्क को आगे दिन ब दिन तरक्की के लिए जिम्मेदारियों की ज़रूरत है, उन जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। असल बात यह है कि यूथ ने आगे बढ़ना है और यूथ ने चेंज करना है, और यूथ आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम डिफरेंट कैंपेन्स निकालना शुरू कर दें और उस पर काम ये करें कि जी चंद लोग इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक अपना ग्रुप निकाल लिया, एक अपना। हाँ, अगर आप यूथ के नाम पर ये करना चाहते हो कि अपने आप से, अपने तौर से इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो पाकिस्तान के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास बहुत से पॉइंट्स भी हैं जो कि हम पूरे शो में डिस्कस करते रहेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और सिखाने की भी कोशिश करेंगे। एरिक, वापस आपके पास आता हूँ। जैसे ही हम घर से निकलें आज का दिन, रास्तों में इतने सारे मिली नगमे होते हैं कि बस आते आते स्टूडियो में फीलिंग्स ऐसी भर जाती है कि बस दिल करता है कि बस पाकिस्तान का झंडा हो और निकल जाएं पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, वही बात है, हमें हर जगह हरा रंग और सफ़ेद रंग नज़र आ रहा होता है, इतना जज्बा इन कलर्स को देख के बढ़ जाता है कि कितनी मोहब्बत लोग अपने इस मुल्क से करते हैं। और वही बात कही, सिर्फ मुल्क नहीं, हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं। तो जो बात सबीर ने की, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो हमारी आज़ादी, उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। असल में कोई भी सक्सेसफुल मैन इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता कि उसने बहुत सारा काम किया और वो सक्सेस पर आके खड़ा है, दरअसल वो काम कर रहा होता है इसीलिए वो सक्सेसफुल कहलाता है। तो आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि काम हम करते रहें, इसी तरह जज्बे से भरे रहें और हमेशा मुल्क को कुछ देते रहें, मतलब अच्छा करते रहें, इसके अच्छा करते रहें, ना कि मुल्क की
باتوں پر ایسے ہی سوال اٹھاتے رہیں، یہاں کے اپنے ملک پر ایسے کوشچن مارک اٹھاتے رہیں کہ ہمارا ملک زوال کی طرف جائے. وہی بات ہے، ہمارے لیڈرز نے تو ہمارا کام کر دیا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے ملک کو ڈیگریڈ کرنے میں لگیں یا اپنے ملک کی حکومت کے خلاف باتیں کرنے میں لگیں رہیں گے؟ ہم نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو حکمرانوں نے کرنا ہے وہ حکمرانوں نے کرنا ہے، لازمی بات ہے. ان باتوں کو غور کریں. آج بڑے دل سے ہمارا بڑا دل کیا کہ یہ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. جشن آزادی تو سال ہر سال ہم مناتے ہیں، خوشیوں کو مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، اور ایک ہی دن میں پورے سال کی کسر ہم پوری کر دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن کیوں نہ اس سال کچھ ایسی باتوں کو سیکھیں کہ کتنا ضروری ہے. لازمی بات ہے، اگر آج یوتھ سٹینڈ لے لے گی نا تو آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. یوتھ آج بیک بون کا کردار ادا کر رہی ہے. بیک بون مضبوط ہوگی نا تو پوری کی پوری آپ کی باڈی کھڑی رہے گی. اگر آپ کی بیک بون ہی ڈگمگا جائے گی تو کیسے آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو ترقی پا رہا ہے؟ پاکستان ترقی پائے گا کیونکہ آپ اپنا حصہ ادا کریں گے. جب آپ بدلیں گے، بدلے گا پاکستان، کیونکہ میں بدلوں گا. میں بدلوں گا اس لیے پاکستان بدلے گا. پھر سے کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سیکھے گا. رابل آپ کیا کہتی ہیں؟ جیسے کہ جسٹن آپ نے بولا کہ ہمیں اس ملک پر سوال نہیں اٹھانے، کیونکہ کافی آج کی جو جنریشن ہے اور جو بزرگ بھی ہیں بہت ابیوسو ورڈز یوز کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو ہمیں نہ کہ سوال اٹھانے اور ملک کو دیکھ کر ان حالات کو اپنے اوپر مطلب کوسنا ہے اپنے آپ کو، بلکہ جیسے کہ ایرک نے بھی سکسیزفل پرسن کی ایک بات کی، تو ایسے ہی کوئی بھی بچپن سے ہی سکسیزفل پیدا نہیں ہوتا، اچھا کام کر کے محنت کر کے سکسیزفل بنتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے پاکستان میں بھی اچھے کام کر کے اس پاکستان کو اچھے مقام پر لے کے جا سکتے ہیں. تو آج ہمیں اور ہماری جو جنریشن ان کو بھی یہی ضرورت ہے کہ اچھے کام کریں تو لگے کہ واقعی ہم لوگ پاکستانی، اچھے پاکستانی ہیں. اچھے کام کریں تاکہ لگے کہ پاکستانی ہیں. سبین، کون سے پوائنٹ آپ ڈسکس کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یوتھ کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یوتھ اگر یہ اپنا لے تو پاکستان ترقی پائے گا؟ سب سے زیادہ اگسٹن میں یہ سمجھتی ہوں ضروری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں، چاہے گلی ہو کوئی سڑک ہو، تو ہمیں جگہ جگہ کچرا دکھتا ہے. اور ہم باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر پاکستان یا ہماری سڑکیں، ہمارا ملک، ہمارا شہر گندا ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں چلنے کو جگہ نہیں ہے. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں یہ کچرا آیا کہاں سے. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم نے یا ہم جیسوں نے ہی کچرا پھینکا ہے. اگر ہم اس کچرے کو پھینکنے سے، سڑک پر گرانے سے اوائڈ کریں، اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو وہی گھر، وہی سڑک، وہی گلی صاف ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ضروری، میں اپنے دوستوں سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کا میری طرف سے یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو روکنا ہے کچرا پھینکنے سے. ڈسٹ بن جب گھر پہ ہوتی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے جی اٹھ کر جاؤں اور ڈسٹ بن میں کچرا پھینکوں، میں اپنے روم میں، اپنے گھر میں کچرا نہ پھینکوں. جب آپ سڑک پہ ہوتے ہو تو آپ اس چیز کو بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے ہو، یا میں اس چیز کو بالکل نہیں سوچتی ہوں گی. لیکن میں نے بھی ایک وقت میں اس چیز کو ریلائز کیا اور میں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا، اور میں نے ایک عہد کیا خود کے ساتھ کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، میں سڑک پہ کچرا نہیں پھینکوں گی. اور یقین جانے اگسٹن کہ میری اس عادت کو اب شاید میں بھول گئی ہوں، میں نہیں کچرا گراتی ہوں گی، لیکن لوگ دیکھ کر ضرور انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ نے کچرا اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے، آپ نے پھینکا کیوں نہیں. پھر میں ان کو رپلائی کرتی ہوں کہ یہ میرا ہی گھر ہے، میں کچرا گراؤں گی تو گندگی ہوگی، تو مجھے خود کو روکنا ہے تاکہ دوسرے آٹومیٹکلی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور وہ بھی ہاتھ روکیں گے. ڈیفینیٹلی آپ اگسٹن اس چیز کو سمجھیں گے کہ اگر کچرا ہر کوئی گرا رہا ہے تو ہمارے پاس چلنے کے لیے کوئی سڑک نہیں بچے گی. اٹس مین کہ صفائی تو ہو رہی ہے، کچرا تو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن مسلسل روٹین میں لوگ آتے ہیں، کچرا گرتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں صاف نہیں دکھتی. تو سب سے زیادہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت یوتھ کو یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں کہ ہم کچرا نہ گرائیں. بہت اچھی بات ہے. ایرک آپ کیا ایڈ کریں گے؟ بالکل اگسٹن، سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گا کہ میں سبین سے بہت انسپائر ہوا جو انہوں نے یہ بات کہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لاسٹ ٹائم جب ہم ٹریول کر رہے تھے، اسٹوڈیو سے واپس جا رہے تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا شی واز پٹنگ سم تھنگ ان ہر بیگ، اور وہ ایک ریپر تھا جو ہم عام طور پہ زمین پہ پھینک دیتے ہیں. تو میں بڑا انسپائر ہوا. میں نے ان سے بات چیت تو نہیں کی اس پر، لیکن میں میرے ذہن میں بات رہی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کے پھر انسپائر ہوتا ہے. تو کچرا اٹھانے سے یا جمع کرنے سے صاف نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھوں کو جب ہم پھینکنے سے روک لیں گے تو خود بخود یہ سارا گند ختم ہوتا جائے گا. تو اس بات کے لیے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا انہیں، اور سب کو، ہم سب بھی اس بات کو، اس عہد کو کریں کہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ایک اچھا سا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت اچھے گیسٹ کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا، بہت ہی یونیک سا سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ہوسٹ ماریا اور ہوسٹ ایرک کے ساتھ مل کر اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں. یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا. اس سیگمنٹ کو دیکھیں، پھر واپس آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.
हेलो एवरीवन, मैं रिक जॉन और मेरे साथ मारिया इकबाल मिलकर आपको आज के खूबसूरत सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। इसी के साथ हमारे जो दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको आज के इस दिन की दिली जश्न आज़ादी जो है वो मुबारक हो, और हम खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आज के स्पेशल डे के लिए। मारिया, बिल्कुल ये दिन ही ऐसा है कि हमारे जो दिल है वो खुशी से भर जाते हैं। Exactly. इस दिन में जब भी हम ये दिन करीब होता है तो ऑलरेडी हमें हरा और सफ़ेद रंग रोड्स पर और हर जगह नज़र आता है, क्योंकि सेलिब्रेशन ही कुछ ऐसी है, खुशी ही ऐसी है। तो यकीनन व्यूवर्स भी आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो मैं मारिया आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन के बारे में? आज के दिन के हवाले से फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और पाकिस्तान को आज आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं। तो एरिक, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज़ादी के साथ इस दिन को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या जज्बात हैं, क्या एहसास हैं आज के इस दिन को लेकर? मारिया, क्या बताया जाए, हम कायदे आज़म के मज़ार पर मौजूद और आज के खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इट इज़ इन द वन डे सेलिब्रेशन, पूरे साल में हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों वन डे सेलिब्रेशन है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात आती है खुशी से वलवले से भर जाते हैं। इसका अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जब हमारा क्रिकेट मैच होता है या हमारे मुल्क का किसी भी दूसरे मुल्क के साथ स्पोर्ट्स में कोई मुकाबला होता है तो सारे पाकिस्तानी एक साथ इकट्ठे होते हैं और नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल एरिक, और हम भी बहुत ही जोश और वलवले के साथ भरे हुए हैं और आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एरिक, बात करेंगे आज की थीम के बारे में कि आप अपने पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये हमारा घर है, और हमें चाहिए कि अपने घर के लिए हम बहुत ज़्यादा उसकी तरक्की के लिए, इसके लिए दुआ करें, मेहनत करें, ताकि और ज़्यादा ये मुल्क जो है बढ़ता चला जाए और तरक्की करें। बिल्कुल मारिया, मैं तो समझता हूँ कि आज के हमारे एपिसोड की थीम ही बेहतरीन है कि वॉट कैन यू गिव टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे वापस क्या दे रहे हैं, हम क्या इसकी तरक्की के लिए कर रहे हैं। आपने आगाज़ में बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये हमारा घर है, और जब हम अपने घर में होते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, उसको साफ करना, उसको खूबसूरत बनाना, उसके रंग को खराब ना होने देना। तो पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके ग्रीन रंग को खूबसूरत बनाते चले जाएं। बिल्कुल एरिक, ये घर हमारा अपना घर है, हम आज़ादी के साथ इस घर में रह रहे हैं और इसको हमें आगे बढ़ाना है और ज्यादा इसकी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल। सो बात करेंगे आज के सेगमेंट के बारे में। तो आज जो सेगमेंट बहुत खास सेगमेंट अपने ऑडियंस के लिए हम लेके आए हैं, जिसमें मैं, आप और हमारे जो गेस्ट है वो मिलकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। गेस्ट को आज हमने मधु किया, वो बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से वो मंजरकशी करते हैं। तो आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और उस मोहब्बत को आप उनकी तस्वीर में बनते हुए देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपने व्यूवर्स को वहाँ लेकर जाना चाहिए। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। सबसे वादा कुर्बानियां कितनी
जिंदगी है हर सो बहुत ही रिप्यूटेड और टैलेंटेड गेस्ट के पास। उम्मीद करती हूँ आपने सारी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से शाहज़ेब ने ये मंजरकशी की है। तो यकीनन इन्होंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार करके दिखाया है हमें। तो एरिक चलिए चलते हैं, अपने दोस्तों को लेके चलते हैं शाहज़ेब की तरफ और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़रूर शाहज़ेब, मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि कब से आप ये पेंटिंग जो है वो कर रहे हैं और किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया? एक्चुअली ये मैं काम तो बचपन से ही कर रहा हूँ, काम नहीं बस एज अ पैशन इसको करता हूँ, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। सो बस साइड बाय साइड इसको भी कंटिन्यू रखता हूँ ताकि ये मेरा पैशन है तो दिल की तसल्ली होती रहती है। जी तो शाहज़ेब, इसी के साथ साथ मुझे ये भी आप बताते जाएँ कि इस पेंटिंग को बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है? इस तस्वीर के ज़रिए से मैसेज ये था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो भी हम कर सकते हैं, जो आपके पास हुनर है, टैलेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मारिया, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस पेंटिंग को और हम अपने पूरे दिल से शाहज़ेब आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस खूबसूरत पेंटिंग को आपने बनाया और लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया, तो गॉड ब्लेस यू। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं इनसे सवाल करूं, आपको एक मज़े की बात बताता चलूं कि शाहज़ेब इकबाल मारिया इकबाल के बड़े भाई हैं और मारिया जिस तरह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत टैलेंटेड है, उसी तरह आपने देखा कि उनके भाई भी बहुत टैलेंटेड है। तो शाहज़ेब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की हमारी थीम है कि व्हाट कैन यू गिव टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, तो इसके मुतालिक आप यूथ से क्या शेयर करना चाहेंगे? पाकिस्तान को हम अपने टैलेंट के ज़रिए से प्रमोट कर सकते हैं और अपना जो हम में खुद में टैलेंट है वही हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शाहज़ेब। यकीनन व्यूवर्स, आपने सारे वक्त में इस पेंटिंग को बनते हुए जब देखा तो बहुत एंजॉय किया होगा और इस खूबसूरत से मैसेज को आपने ज़रूर रिसीव किया होगा कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और अपनी आर्ट के ज़रिए से अपनी जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है उसको जाहिर करते हुए हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और अपनी मोहब्बत का इजहार करना है पाकिस्तान से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ। ओवर टू टीम। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सेगमेंट को एंजॉय किया होगा और जिस तरह मंजरकशी की गई है उस पेंटिंग में हमारे गेस्ट की तरफ से, और वो बहुत ही खूबसूरत मंजर है और उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि आपको आगे ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है और अगर इस पेंटिंग के ज़रिए आप अपने किसी भी टैलेंट को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वही बात है, हमने सिखाने की कोशिश की कि जो कुछ आपके पास है आप उसे पाकिस्तान के लिए सर्व करें। अरे आपको याद है जब हम वो सेगमेंट कर रहे थे तो लोग आकर तस्वीरें बना रहे थे, लोग आकर इतना अप्रिशिएट कर रहे थे जो कि बिल्कुल वो डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल अगस्टिन, आपने बिल्कुल सही कहा, लोग आ रहे थे और तस्वीरें बना रहे थे क्योंकि वो खुश हो रहे थे देख के कितनी खूबसूरती से वो शख्स अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट थे। और अगस्टिन, खूबसूरत बात ये कि जब हमारे गेस्ट जो पेंटिंग कर चुके थे तो कैनवास जहाँ रखा होता नीचे पेंट गिरा था काफी सारा, लास्ट में उन्होंने पेंटिंग जब पैकअप सारा हमने किया आपको याद होगा तो वो कपड़े से खुद साफ कर रहे थे। तो ये मोहब्बत इस तरह से हम एक्चुअली दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम दिखावे के साथ लोग को दिखाएं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने किसी को बताए बगैर, किसी की मदद के बगैर उन्होंने खुद से कपड़ा लिया और वो सारा पेंट उन्होंने वहाँ साफ किया। तो खूबसूरत अमल से ही खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा। और बात यह है कि आपने बात कही कि हमारे पास जो कुछ है हम दें, हमारी आज की थीम ये है कि व्हाट कैन यू गिव टू पाकिस्तान, आप क्या दे सकते। तो खूबसूरत बात यह है कि हमारे अंदर जो भी खूबसूरत हुनर जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है हम उसे यूटिलाइज करते हुए अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बना सकते हैं, पाकिस्तान को खूबसूरत बना सकते हैं। ये बात लिख लें और ये बात जान लें कि आज के दिन तो सेल्फी बनाने का तो हमें बेहद शौक है, पाकिस्तान को हमारी सेल्फी की नहीं हमारी सपोर्ट की जरूरत है, पाकिस्तान को हमारे साथ की जरूरत है, पाकिस्तान को हमारी हमदर्दी की जरूरत है, हमारी तसल्ली की जरूरत है। हम खड़े हो जाएं पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान के लिए एक हैं, हम यूनाइट हो जाएं, हम एक हो जाएं ताकि हमारा पाकिस्तान जो एक है ये हमेशा एक ही रहे। राबिल, क्या कहेंगे आप?
जी अगस्तिन, मैं सबीन की बातों से बहुत इंस्पायर हूँ और जैसे कि बोल रही हैं कि कचरा ये बाहर फेंकने के बजाय अपने बैग में डाल देती, तो यही बातें मैं और मेरी फैमिली भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आज पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान को साफ़ करने के बजाय आज हमें अपने दिलों को भी साफ़ करने की ज़रूरत है, और सिर्फ हमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपना दिल नहीं साफ़ करना बल्कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए भी अपना दिल साफ़ करना है, और इस मुल्क से पूरे साफ दिल के साथ अपने मोहब्बत रखनी है, क्योंकि हम मुल्क से जब मोहब्बत रखेंगे तभी मुल्क का ख्याल रखेंगे और मुल्क की साफ़ सफाई का और मुल्क को अच्छे से अच्छा बनाने का भी ख्याल हमारे दिल में होगा, और यही मोहब्बत और जज्बा हमारे दिल में होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बात की। आगाज़ में हमने कहा कि आज हम छोटी छोटी बात होती है तो पाकिस्तान पर सवाल खड़े कर देते हैं या हमारी हुकूमत पर सवाल खड़े कर देते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिस सवाल को आप आगे पहुंचा रहे हैं आप भी तो उसी मुल्क का हिस्सा हैं, वो सवाल घूम पर आप पर भी तो आता है, आप भी तो उसी मुल्क के हिस्सेदार हैं, तो इस बात को भी सीखें कि सवाल उठाएँ नहीं बल्कि जवाबों को ढूँढें और जवाबों से सवालों को सॉल्व करें। आज भी एक बड़ा अच्छा सेगमेंट और आपके साथ शेयर करने को है, एक और बहुत अच्छे गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाने को है, इनका ताल्लुक लाहौर से है, वेरी ग्रेट टीचर, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वही बात है जो जो टैलेंट हमारे पास है उनके वसीला से हमने पाकिस्तान को सरफराज करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, ये एज म्यूजिशियन जगह ब जगह जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ LMTA के चेयरमैन मिस्टर हारून शाद की, वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, गुजरे दिनों एरिक उन्होंने बड़ी अच्छी डेडिकेशन पाकिस्तान को दी, इतना पुरसकून उन्होंने नगमा पाकिस्तान के लिए शेयर किया, पियानो से बजाया और इतनी अच्छी म्यूजिक के साथ। हम पहले ये नगमा सुनते हैं फिर हारून भाई से वापस आकर मुलाकात भी करेंगे। व्यूअर्स, यकीनन आपने इस खूबसूरत डेडिकेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, एंड वेरी वार्म वेलकम टू सर हारून शाद। सर हम बहुत पूरे दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और इतनी खूबसूरत आपने इस पियानो के साथ डेडिकेशन जो पाकिस्तानी नगमे की दी है, हम उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके LMTA के लिए और सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इतना बेहतरीन टीचर हमारे मुल्क में है। थैंक यू टीम पूरे दिल से फॉर सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी डेडिकेशन को सुना, उसे लाइक किया, और आज हम इस आपके शो में बातचीत कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता था कि कोई ऐसी पियानो पर धुन बजाई जाए, कुछ ऐसी रेंडेशन की जाए जिससे लोग दोबारा पियानो को भी सुने और उस नगमे को भी दोबारा ज़िंदा किया जा सके, तो ये एक ऐसी कोशिश थी कि जो इस तराने को दोबारा ज़िंदा करने के लिए की गई, और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को अच्छा लगा और पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है, आज लोग सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ टीम पूरे दिल से का, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपके इस टैलेंट के बारे में जानकर, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कितना अरसा हो गया आपको इस खिदमत में और पाकिस्तान को इस तरह रिप्रेजेंट करते हुए। थैंक यू टीम पूरे दिल से, आपने पूछा कि मैं कितनी देर से इस खिदमत को कर रहा हूँ या इस काम को कर रहा हूँ, तो मुझे पियानो सिखाते हुए तकरीबन आज 10 साल हो चुके हैं, और खुदावंद के जलाल के लिए बता रहा हूँ कि
पाकिस्तान में पियानो कीबोर्ड के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे हैं और ये जो है सिलसिला चलता जा रहा है। अभी LMTA अब एक ऐसा इदारा बन चुका है जो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जितने म्यूज़िक टीचर हैं वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे उनकी फ़नी तरबियत और उन्हें रोज़गार के सिलसिले में जो मसाइल होते हैं उन पर बात कोई कर सके। तो इस सोच को मद्देनज़र को रखते हुए 2008 में हमने LMTA को शुरू किया, मैंने और मेरी टीम ने, और खुदा के फजल से LMTA पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और जितने भी म्यूज़िक टीचर हैं वो सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये जो दीप से दीप दिए से दिया जलाने वाला सिलसिला चलता जा रहा है। बहुत से लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, नए लोगों को जॉब दिलवा रहे हैं और जो है हम इस तरह से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सर, इसी के साथ मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे आज हमारा थीम है कि हम अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं, तो आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मैं चाहती हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें इस थीम के ऊपर। वो हैसियत मसीह, मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि हमने अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है। हमने अपनी कम्युनिटी का नाम भी रोशन करना है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है। तो यूथ का जो है वो बहुत एक वाइटल रोल होना चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि आज यूथ वैसी नहीं है जैसी आज से 20 साल पहले थी, बहुत तब्दीली आ चुकी है। यूथ जो है आज हर मैदान में आगे है और म्यूज़िक में तो खैर क्या ही बात है, जितने बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं वो क्रिश्चियन यूथ से हैं आज, और यूथ को पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और क्योंकि यूथ के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आखिर में मेरी तरफ से, LMTA की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान से प्यार कीजिए, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए और एक मैसेज जो मैं बहुत अहम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा झंडियों की बजाय आप एक एक पौधा लगाएं। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर हारून, हम दिल से एक मरतबा फिर आपको आज के दिन की खुशियां मुबारक कहते हैं और दिल से LMTA के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने हमारे मुल्क में ऐसे टीचर्स को रखा, गाहे बगाहे खुदा मुख्तलिफ टैलेंट के वसीला से हमें इस मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों वही बात है, हमने आगाज़ से बता रहे हैं, जाते जाते भी आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। बदलेगा उसी वक्त पाकिस्तान जब मैं बदलूँगा, जब दूध वाला बदलेगा अपने आप को, जब सब्ज़ी वाला अपने आप को बदलेगा, जब गवर्नमेंट का कोई अफसर अपने आप को बदलेगा, जब कोई और आला अहदे वाला अपने आप को बदलेगा, जब हम अपने ज़ात पर खुद नज़र कर लेंगे ना, हम तब्दीली लाना चाहेंगे, हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे पीछे आने वाली बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हमने नुमाइंदगी करनी है, अगर खुदा ने हमें लीडर ठहराया तो हमने लीडर की तरह ही पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करना है। ऐसी छोटी छोटी बातें अपनाएं, हमने कोशिश की कि हम ज़रूर बताएं कि सफाई का पाकिस्तान में ख्याल रखें, अगर आपको सपोर्ट करनी है तो पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तान के लिए अच्छी बातों को अपने मुँह से निकालें, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करें, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, सबसे बढ़कर खुदा की बहक खुदा से शुक्रगुजारी करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यही हमारा मुल्क है, इसी मुल्क से हमारी पहचान है, यही मुल्क हमें सरफराजी देता है और इसी मुल्क में रहते हुए हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों आप भी जाते जाते प्लीज़ कुछ और बता दें अगर आप ऐड करना चाहें तो। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि हमें चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें। तो आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो आज़ादी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और आज़ादी इस बात में नहीं कि हम बहुत सारे बुरे काम कर ले और हमें कोई मना करने वाला ना हो, बल्कि आज़ादी इस बात में है कि जितने बुरे काम हम करते हैं वो हम पर रूल ना करें बल्कि हम खुद उन्हें रोकने वाले हों। मैं इस थीम पर ये कहना चाहूँगी कि अपने टैलेंट्स को प्रमोट करने के साथ साथ हम इस मुल्क के लिए दुआ करें और जब हम इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे तो हमारा ईमान है कि इस मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे और ये मुल्क बुलंदियों पर चला जाएगा और ये मुल्क बुलंदियों पर जाता रहेगा। पूरी उम्मीद है आज के इस खास एपिसोड से आपने चंद एक बातों को ज़रूर सीखा। खुदारा फिर से कह रहे हैं दिल खोल कर जश्न आज़ादी मनाएं क्योंकि ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला, इस मुल्क के पीछे बेशुमार कुर्बानियां दी गई हैं, जितना हम खुदा का शुक्र अदा करें इस मुल्क के लिए उतना कम है। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।